हेलो फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके योनि में खुजली यानी कि इचिंग की समस्या काफी ज्यादा हो जाती है। कई बार प्रेग्नेंट लेडी इस चीज से काफी ज्यादा परेशान भी हो जाती है। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है? आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो से। दोस्तों, कई बार जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, स्पेशली पहली बार, तो उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि गर्भ के अंदर एक नया भ्रूण विकसित होता है और धीरे धीरे वो और ज्यादा विकसित होके एक बच्चे का रूप लेना शुरू करता है। उसी वजह से उसके शरीर के अंदर काफी ज्यादा बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से योनि में खुजली होना, सर दर्द होना, चक्कर आना, बार बार उल्टी आना, पेट दर्द होना, पीठ दर्द होना, कमर का दर्द होना, ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार अक्सर ऐसा माना जाता है कि हमें प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं सताते हैं, और ये बात सच भी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि पीरियड्स ना हो तो चलता है, लेकिन पीरियड्स के समय पर पीरियड्स वाला दर्द हर महिला को सताता ही है, भले ही डिलीवरी के बाद कितनी भी ब्लीडिंग क्यों ना हो। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान भी पीरियड्स ना होने की वजह से भी पीरियड्स का दर्द उतना ही होता है, जिसकी वजह से अक्सर योनि में खुजली की समस्या हो जाती है। लेकिन अगर आपकी योनि में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ज्यादा ही इचिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।